नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम इकाइनोडर्माटा का क्लासिफिकेशन और उसके कुछ मेंबर्स। पिछली क्लास में हमने फाइलम इकाइनोडर्माटा का जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, राइट? हमने ये पढ़ा था कि वो कहाँ रहते हैं, उनकी बॉडी फॉर्म कैसी होती है, डाइजेशन कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, एक्सक्रीशन के लिए कोई भी एक्सक्लूसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, राइट? रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे तरीके के ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि पैप्यूले प्रेजेंट है, डर्मल ब्रैंकिया प्रेजेंट है एंड क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट है, जिसका एग्जाम्पल हमने सी कुकुम्बर भी पढ़ा था, ठीक है? हमने डेवलपमेंट में देखा था कि इसमें इकाइनोडर्माटा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और हर क्लास के साथ जब हम आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फाइलम इकाइनोडर्माटा में 5 क्लासेस हैं और उन 5 क्लासेस के 5 अलग अलग तरीके के लार्वा आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम फाइलम इकाइनोडर्माटा की क्लासिफिकेशन के साथ में। फाइलम इकाइनोडर्माटा इज डिवाइडेड इंटू 5 क्लासेस। कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है? 5 क्लासेस में डिवाइडेड है और आप देखेंगे कि ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है, इनकी बॉडी फॉर्म के बेसिस पे डिवाइडेड है। साथ ही में आप ये भी देखेंगे कि इनमें अम्बियोलैक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास 1 के साथ में, जिसका नाम है एस्टेरॉइडिया, राइट? सो एस्टेरॉइडिया सुनकर आपको क्या लगता है? इसमें वर्ड आ रहा है एस्टर। क्या वर्ड है, क्या मतलब होता है इस वर्ड एस्टर का? एस्टर का मतलब होता है स्टार या फिर स्टार शेप्ड कोई चीज़। जब भी कोई चीज़ स्टार शेप की होती है तो उसके आगे हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं एस्टर, ठीक है? तो ये जो एस्टेरॉइडिया है, इसमें जो मेंबर्स होंगे वो किस शेप के होंगे? स्टार शेप के होंगे। और अगर कोई इकाइनोडर्माटा का अगर स्टार शेप का मेंबर है तो वो कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा? स्टार फिश होगा। ये तो अपनी कॉमन सेंस है क्योंकि हम इकाइनोडर्माटा पढ़ रहे हैं और स्टार फिश उसका सबसे मुख्य रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। तो एस्टेरॉइडिया क्लास में कौन सा आने वाला है? बिल्कुल स्टार फिशेज आने वाली हैं, एस्टीरियाज, पेंटासीरोस एंड एस्ट्रोपेक्टिन। ये क्या है? स्टार फिश के टाइप्स हैं। अब देख लेते हैं हमें इसमें बॉडी शेप कैसे मिलेगा। नाम के हिसाब से जाएं तो जो बॉडी है वो स्टार लाइक मिलेगी हमारे को। और इसमें क्या है बॉडी फॉर्म में? 5 आर्म्स हैं। अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो स्टार फिश हमें कैसे दिखती है, जिसमें से 5 आर्म्स निकल रहे होते हैं, 5 हाथ निकल रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होते, बहुत ही क्लियरली निकलते हुए नहीं दिखते। वो हमें कैसे लगते हैं? जैसे कि कोई सेंट्रल डिस्क को एक्सटेंड कर दिया हो। क्या कर दिया हो? सेंट्रल डिस्क को जब अगर हम एक्सटेंड कर देंगे, मान लीजिए ये सेंट्रल डिस्क है और इसको हमने 5 जगह से एक्सटेंशंस दे दिए छोटे छोटे से, राइट? तो वो क्या हो जाएंगे? स्टार फिश के क्या बन जाएंगे? 5 हाथ बन जाएंगे या 5 आर्म्स बन जाएंगे। ये सेंट्रल डिस्क है और इसमें से अगर हम ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस निकाल दें तो ये क्या बन जाएगी हमारी? स्टार फिश बन जाएगी। तो यही बताया हुआ है इस लाइन में कि 5 आर्म्स होते हैं जो कि शार्पली मार्क्ड नहीं होते, नॉट शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। एंड लार्वल फॉर्म्स क्या हैं? बाइपिनेरिया एंड ब्रैकियोलेरिया, राइट? ये दो तरीके क्या हैं? क्लास 1 के एस्टेरॉइडिया के लार्वल फॉर्म्स हैं। लार्वल फॉर्म से हमें ध्यान आता है कि इकाइनोडर्माटा के मेंबर्स में हमारे को अप्रत्यक्ष परिवर्धन मिलता है। अगर हम इस लार्वल फॉर्म को देखें तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ा था कि लार्वल फॉर्म्स में कैसी सिमेट्री मिलेगी आपको? बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी हमें। कैसी सिमेट्री मिलेगी? बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। लेफ्ट और राइट रीजन्स अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये किस में है? लार्वल फॉर्म में है। किस में है? ये लार्वल फॉर्म में है। यही अगर हम सिमेट्री अडल्ट फॉर्म में देखते हैं तो हमारे को कैसी सिमेट्री मिलेगी? रेडियल सिमेट्री मिलेगी। कैसी सिमेट्री मिलेगी? रेडियल सिमेट्री मिलेगी, राइट? आगे देखते हैं क्लास 2 ऑफ्यूरोइडिया। ऑफ्यूरोइडिया हमने पढ़ा था, ऑफिस पढ़ा था हमने, OPHIS, ऑफिस, जिसका क्या मतलब था? स्नेक मतलब था। जिसका क्या मतलब था?
स्नेक मतलब था स्नेक लाइक बॉडी होगी इसकी, क्या होगी स्नेक लाइक, आर्म्स हो सकते हैं इसके, स्नेक लाइक क्या होंगे, आर्म्स होंगे, बॉडी नहीं आर्म्स होंगे, जो सेंट्रल डिस्क है, मान लीजिए ये क्या है, सेंट्रल डिस्क है, और इसमें से कैसे स्नेक लाइक आर्म्स निकल रहे होंगे। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें और एस्टेरॉइडिया में क्या डिफरेंस है, एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एस्टेरॉइडिया और ऑफ्यूरॉइडिया में ये है कि ऑफ्यूरॉइडिया में जो आर्म्स हैं वो बहुत ही क्लियरली दर्शाए गए हैं सेंट्रल डिस्क से निकलते हुए, राइट, जबकि स्टारफिश में ये आर्म्स इतने क्लियर नहीं होते हैं, राइट, इतने क्लियरली मार्क्ड नहीं होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो आर्म्स हैं वो शार्पली मार्क्ड ऑफ होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। एंड सेकेंड डिफरेंस इज दैट इसमें अम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स एब्सेंट होते हैं। अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, स्टारफिश को इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं और आप उसमें अम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स देखेंगे, जबकि अम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स जब हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिटल स्टार पढ़ेंगे तब आपको नहीं पढ़े मिलेंगे, राइट। तीसरा डिफरेंस ये है कि स्टार फिश में आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, क्या मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, जबकि ब्रिटल स्टार में हमने पढ़ा था क्या कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। ब्रिटल स्टार में एनस एब्सेंट होती है, जबकि आप स्टार फिश का भी आगे डायग्राम देखेंगे तो उसमें माउथ और एनस आपको दोनों ओपनिंग्स मिलेंगी, राइट, ठीक है। तो क्लास ऑफ्यूरॉइडिया में अम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। चौथा डिफरेंस ये है कि ब्रिटल स्टार या ऑफ्यूरॉइडिया में पेडिसिलेरिया एब्सेंट होता है। क्या थे पेडिसिलेरिया, पेडिसिलेरिया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो क्या करते थे, क्लीनिंग करते थे, क्या करते थे, क्लीनिंग करते थे अपनी स्किन की, उनकी स्किन के ऊपर अगर कोई डेब्रिस जमा हो जाता है तो उसको वो प्लक ऑफ करके निकाल देते थे, उनको वो निकाल देते थे, राइट। एंड लार्वल फॉर्म, पांचवा डिफरेंस है कि ऑफ्यूरॉइडिया का जो लार्वल फॉर्म है वो क्या है, ऑफ्योप्लूटियस, क्या है, ऑफ्योप्लूटियस, जबकि एस्टेरॉइड में, एस्टेरॉइडिया में क्या था, ब्रैकियोलेरिया था, राइट। अब अगर हम इसके लार्वल फॉर्म की सिमेट्री के बारे में बात करें, ये किसका इमेज है, लार्वल फॉर्म का इमेज है, राइट। अब अगर हम इसकी सिमेट्री देखते हैं, राइट, माउथ है, स्केलेटल रॉड्स एंड सीलरी बैंड है, इसको जब हम सेंटर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है, जबकि ऑफ्यूरॉइडिया के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रिटल स्टार जो होगा उसमें, उसके अडल्ट में कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी, कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जांपल्स में, देखिए सारे अलग अलग तरीके के ब्रिटल स्टार्स हैं, जैसे कि ऑफियोथ्रिक्स, ऑफियोडर्मा, ऑफियोकोमा एंड ऑफियोरिया, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिटल स्टार्स, राइट, ठीक है। एकिनोइडिया, अब एकिनो से हम समझ सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, कांटों की बात करने वाले हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, स्पाइन्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बहुत सारे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और ये जो क्लास है इसके मेंबर्स या तो कैसे होंगे, ग्लोब्यूलर होंगे, सॉरी ये कुछ अजीब सा ही सर्कल बन गया, राइट, ये कैसे होंगे, ग्लोब्यूलर होंगे, ज़रा सुंदर सा हम बना देते हैं ग्लोब्यूलर को, ऐसे होंगे, ग्लोब्यूलर होंगे, सी अर्चिन जैसे होंगे, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, ये तो थोड़ा सा कुकुम्बर जैसा दिख रहा है, अगर हम इसको डिस्क लाइक बनाएं तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, राइट, ये डिस्क लाइक आपको मिलेंगे। एंड डिस्क लाइक में आपको कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा, यहाँ पे सैंड डॉलर मिल सकता है, और ग्लोब्यूलर में आपको मिल सकता है सी अर्चिन, जिसका यहाँ पे इमेज दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये है आपका डायग्राम सी अर्चिन का, राइट, ठीक है। तो अब ये कैसा है, एक तो बॉडी फॉर्म ग्लोब्यूलर होगा या डिस्क लाइक होगा, राइट, डिस्क और लाइक के बीच में आप हाइफन लगा सकते हैं चाहे तो, राइट, डिस्क लाइक आपको बॉडी फॉर्म मिलेगा, ग्लोब्यूलर भी मिल सकता है, साथ में यहाँ पे एक आपको एक्सक्लूसिव ऑर्गन मिलेगा। अब कांटे हैं तो कांटे किसी काम के भी तो होने चाहिए, राइट, तो ये कांटे क्या करते हैं, ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं,
और यहाँ पे एक बहुत ही अलग तरीके का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि चबाने में और काटने में मदद करता है, जिसको हम बोलते हैं एरिस्टोटल्स लैंटर्न। क्या बोलते हैं हम? एरिस्टोटल लैंटर्न बोलते हैं। ये क्या होता है? बाइटिंग और च्यूइंग में काम आता है, राइट? दांतों की तरह काम करता है ये, राइट? इस क्लास में भी आपको एम्बुलेक्रल ग्रूव्स एब्सेंट मिलेंगे और जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो आपको मिलेंगे प्लूटियस या फिर इकाइनोप्लूटियस, राइट? लार्वल फॉर्म्स के नाम याद करना बहुत ही इजी है। हमने सबसे पहले में पढ़ा था ब्रैकियोलेरिया, ठीक है? यही एक थोड़ा सा आपको डिफरेंट नाम मिलेगा। दूसरे जो आपको नाम मिलेंगे, आपने पढ़ी थी ऑफियोरॉइडिया, उसमें था ऑफियोप्लूटियस, ठीक है? उसके बाद में थर्ड क्लास में हमने इकनोइडिया पढ़ा, तो इकनोइडिया में या तो प्लूटियस है या फिर इकाइनोप्लूटियस है, या फिर आप इसको इकाइनोइडिया भी बोल सकते हैं, राइट? तो क्या बोलेंगे लार्वल फॉर्म्स को? प्लूटियस बोलेंगे या इकाइनोप्लूटियस बोलेंगे, राइट? एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एकाइनस है, सी अर्चिन, अलग अलग तरीके के आपको अर्चिन्स मिलेंगे, राइट? क्लाइप एस्टर है, इकाइनो अराकिनस है एंड इकाइनो कार्डियम है। कार्डियम से आप याद रख सकते हैं ये कौन सा अर्चिन है, हार्ट अर्चिन है, और अराकिनस, इकाइन अराकिनस से आप याद रख सकते हैं कि ये क्या है, सैंड डॉलर है। और ये कैसा होगा, जो मैंने बताया था आपको कि ये डिस्क लाइक होगी इसकी बॉडी फॉर्म, क्या होगी? डिस्क लाइक बॉडी फॉर्म होगी इसकी। क्लाइप एस्टर क्या होगा? केक अर्चिन है, एंड इकाइनस हमारा नॉर्मल सी अर्चिन होगा, ठीक है? आगे देखते हैं क्लास फोर में होलोथ्रोइडिया। हमने एक इसके मेंबर के बारे में पहले भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि जब हम बॉडी फॉर्म्स पढ़ रहे थे तो बॉडी फॉर्म या तो स्टार शेप्ड हो सकता है, या फिर ग्लोबुलर हो सकता है, या फिर सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सी क्यूकुम्बर। क्या एग्जांपल दिया था? सी क्यूकुम्बर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और यहाँ पे ये डायग्राम है, किसका? सी कुकुम्बर का डायग्राम है, ठीक है? ये आप क्या देख रहे हैं? सी कुकुम्बर देख रहे हैं, राइट? अब क्या है, सी कुकुम्बर का बॉडी फॉर्म कैसा होगा? सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होगा, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म है। ओरल एंड पे आपको क्या मिलेगा? माउथ मिलेगा, जिसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे? टेंटिकल्स मिलेंगे। और होलोथ्रोइडिया में भी एम्बुलेक्रल ग्रूव्स एब्सेंट हैं। तो अभी तक हमने जितनी क्लासेस पढ़ी हैं, चार क्लासेस पढ़ी हैं, उसमें से सिर्फ एस्टेरॉइडिया में हमें एम्बुलेक्रल ग्रूव्स मिल रहे हैं, राइट? मेरे साथ साथ में याद करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आपको दो दो जगह से ज्ञान आपके अंदर जा रहा है, आपके कानों से, आँखों से, राइट? और जब आप लिख रहे हैं तो आपके ब्रेन भी आपको मदद कर रहा है लिखने में, राइट? स्पाइंस एंड पेडिसिलेरिया आर एब्सेंट। यहाँ ना तो आपको स्पाइंस मिलेंगे, ना ही आपको पेडिसिलेरिया मिलेगा, राइट? ठीक है, लार्वल फॉर्म्स यहाँ पे नाम थोड़े से डिफरेंट हैं, ऑरिक्युलेरिया एंड डोलियोलेरिया, राइट? ये क्या है, ऑरिक्युलेरिया एंड डोलियोलेरिया लार्वल फॉर्म्स हैं। इनमें भी आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, राइट? ये क्या है? ये लार्वल फॉर्म है। किसका लार्वल फॉर्म है? होलोथ्रोइडिया क्लास का, राइट? जिसका क्या नाम हो सकता है? या तो ऑरिक्युलेरिया हो सकता है या डोलियोलेरिया हो सकता है। होलोथ्रोइडिया सी कुकुम्बर एक एग्जाम्पल है, एंड कुकुमेरिया जो भी एक सी कुकुम्बर का टाइप है, राइट? ठीक है, फिफ्थ क्लास और लास्ट क्लास है हमारे पास में क्रिनोइडिया। क्या क्लास है? क्रिनोइडिया है। और क्रिनोइडिया को और क्या बोला जाता है? लिलीज, सी लिलीज भी बोला जाता है। आपके सामने एक सी लिली की फोटो दी हुई है, इमेज दी हुई है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? कि ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगी, चिपकी हुई होगी, फ्री स्विमिंग नहीं होगी, सेसाइल होगी। कैसी होगी? सेसाइल होगी, मतलब क्या होगी? अपने सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होगी, और इसके पास आर्म्स होंगे जो कि बहुत सारी ब्रांचेस में बाइफर्केटेड या डिवाइडेड होंगे, राइट? बॉडी के पास एक सेंट्रल डिस्क है जो किससे जुड़ी हुई होगी? सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होगी। आर्म्स ब्रांच होंगे, स्पाइंस एंड पेडिसिलेरिया, और मैड्रेपोराइट भी नहीं है इसमें। क्या नहीं है? मैड्रेपोराइट भी नहीं है। और लार्वल फॉर्म क्या है? डोलियोलेरिया है। क्या है? डोलियोलेरिया है, राइट? ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड फेदर स्टार्स और सी लिलीज। जैसे हम स्टार फिश को
सी स्टार भी बोल सकते हैं, राइट? बेटा मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि क्योंकि हमने स्टार फिश बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिश है, राइट? उसको सिर्फ नाम दिया गया है, जबकि उसको और क्या बोल सकते हैं हम? सी स्टार भी बोल सकते हैं, समुद्री तारा उसको हिंदी में बोला जाता है। आप ये ना समझ लें कि स्टार फिश बोला है तो वो किसी तरीके की फिश है, मछली है, राइट? जैसे जेली फिश में मैंने आपको बताया था कि जेली फिश का मतलब ये नहीं कि वो फिश है जिसमें जेली भरी हुई है, वो एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है। वैसे ही स्टार फिश फिश नहीं है, राइट? पाइसीज को बिलोंग नहीं करती, स्टार फिश एक डिफरेंट तरीके का ऑर्गेनिज्म है। पाइसीज या फिशेज आती हैं कॉर्डेट्स में, जबकि जो स्टार फिश हैं वो आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, राइट? अगर हम सी लिलीज का एग्जाम्पल देखें तो वो है फेदर स्टार, एंटीडॉन एंड सी लिलीज, राइट? विद दिस हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम एक एक मेंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एस्टीरिया के साथ में, स्टार फिश के साथ में, राइट? और स्टार फिश में हमने सुना ही है कि अगर उसके पैर कट जाते हैं या आर्म्स अगर उसके कट जाते हैं तो वो अपने आर्म्स को दोबारा बना सकती है, राइट? अगर हम इस कलर से देखें कि ये आर्म्स कट जाते हैं यहाँ से, राइट, क्या हो जाते हैं? आर्म्स कट जाते हैं तो क्या होगा, ये अपने इन आर्म्स को वापस ग्रो कर सकती है, क्योंकि इसके पास में क्या है? पावर ऑफ रीजेनरेशन है। क्या है? पावर ऑफ रीजेनरेशन है। ये अपने आर्म्स को रीजेनरेट कर सकती है, राइट? कैसे कर सकती है? देखिए यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, तीन पैर हैं ऑलरेडी और एक पैर यहाँ ऐसे जेनरेट कर लेगी और दूसरा पैर यहाँ ऐसे जेनरेट कर लेगी, राइट? ये अपना पूरा बॉडी किससे? पावर ऑफ रीजेनरेशन एंड ऑटोटॉमी से रीजेनरेट कर सकती है, राइट? और इसके पास खुद का पैर काटने की भी क्या है? पावर है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी। क्या है? ऑटोटॉमी, राइट? टर्मिनल एंड पे मैंने आपको कहा था स्टार फिश में आपको और क्या दिखेंगे, कुछ थोड़े से अंडर डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स दिख सकते हैं। क्या दिख सकते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स दिख सकते हैं, जिनको हम संवेदी अंग भी बोल सकते हैं, राइट? ये जो आई स्पॉट्स हैं ये लाइट के लिए सेंसिटिव हो सकते हैं। सो टर्मिनल एंड पे आपको क्या मिल सकते हैं? एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स के पास में क्या मिल सकते हैं? ब्राइट रेड आई स्पॉट्स मिल सकते हैं, राइट? अबोरल सर्फेस बियर्स मैनी स्टाउट स्पाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड इरेग्युलरली। जो स्टाउट स्पाइंस हैं हमने उनको क्या नाम दिया था कि वो क्या है? उनको और क्या बोल सकते हैं? बोनी ऑसिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोनी ऑसिकल्स बोल सकते हैं, राइट? ठीक है, जो कि किसके बने होते हैं? किसके बने हुए होते हैं ये बोनी ऑसिकल्स? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम स्पेसिफिकली ना बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बोनी ऑसिकल्स हैं ये इनका नेचर क्या होता है? कैलकेरियस नेचर होता है। क्या होता है? कैलकेरियस नेचर होता है, राइट? ठीक है, आगे देखते हैं। देर आर, ये हमने पढ़ लिया, सॉरी, राइट? आगे देखते हैं, इन बिटवीन द स्पाइंस, स्पाइंस के बीच में क्या होता है? स्पाइंस के बीच में छोटे छोटे सॉफ्ट क्या प्रेजेंट होंगे? डर्मल ब्रैंकिया। क्या होते हैं डर्मल ब्रैंकिया? डर्मल ब्रैंकिया को और क्या नाम दिया था हमने? पैप्यूले दिया था, राइट? क्या दिया था? पैप्यूले दिया था। और ये डर्मल ब्रैंकिया का कुछ डायग्राम आपने जब देखा था, कुछ ऐसे देखा था आपने डायग्राम, जिसमें से क्या आ रही थी? ऑक्सीजन अंदर आ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही थी, क्योंकि इकाइनोडर्माटा स्पेशली स्टारफिश जो है उसकी जो एपिडर्मिस है वो कैसी है? सिंगल लेयर्ड है। कैसी है? सिंगल लेयर्ड है। एंड बिटवीन टू आर्म्स नियर द एनस, एनस जब हमने देखा था, अब ओरल एंड जो देखा था हमने स्टारफिश का, उसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी? क्या प्रेजेंट थी यहाँ पे एनस के पास में, सेंट्रल डिस्क के पास में? एक सीव प्लेट प्रेजेंट थी, जिसका डायग्राम हमने कुछ ऐसा बनाया है, जिसका डायग्राम हमने कुछ ऐसा बनाया था, राइट? और ये स्टोन किनाल, सॉरी, और ये सीव प्लेट किससे अटैच थी? स्टोन किनाल से होती हुई ये रिंग किनाल के साथ में जुड़ी हुई थी। एंड क्या था? रेडियल किनाल, रेडियल किनाल्स इससे बाहर निकल रही थी। और इन रेडियल किनाल से कौन जुड़े हुए थे? ट्यूब फीड जुड़े हुए थे, राइट? इसका काम क्या था रेडियल किनाल या फिर मैड्रिपोराइट का? कि यहाँ से
पानी अंदर आता है और रिंग किनाल में जाता है, फिर रेडियल किनाल्स में होता हुआ ट्यूब फीट से होता हुआ बाहर चला जाता है। और मैंने आपको कहा था कि जब ट्यूब फीट से पानी बाहर निकलता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, गैशियस एक्सचेंज हो सकता है। इसीलिए ट्यूब फीट लोकोमोशन के साथ में और किस चीज़ में मदद करता था, रेस्पिरेशन में। किस में मदद करता था, रेस्पिरेशन में मदद करता था। साथ ही में वो कैप्चर ऑफ फ्रे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी करता था, राइट ठीक है। परफोरेटेड प्लेट, सर्कुलर प्लेट, जिसलिए हमको बोला मैड्रीपोराइट, राइट ठीक है। देर आर प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स, हमें बचपन से ही पता है, इसको बोलते हैं पेडिसिलारिया, जो कि स्टारफिश की स्किन को क्लीन करने में काम आती है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनके स्किन से क्या, डेब्रिस को प्लक ऑफ करने में, डेब्रिस को क्लीन करने में मदद करते हैं, राइट। एंड देयर ड्राइड स्केलेटन्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड नाइट्रोजन आर क्रश्ड एंड यूज एज फर्टिलाइजर्स। तो क्या है बेटा, अगर आपको कोई भी, जैसे क्या होता है, कोई भी अगर मरी हुई स्टारफिश है या फिर बहुत सारी स्टारफिशेज अगर मर जाती हैं, तो जब मरने के बाद उनके स्केलेटन्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, स्केलेटन्स को लिया जाता है और इनको क्रश करके फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है फसलों में, खेतों में, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं, राइट। कैल्केरियस पढ़े थे हमने, कैल्शियम रिच होते हैं और नाइट्रोजन रिच होते हैं, राइट। दे फीड अपॉन डेड एनिमल्स, स्टारफिश क्या खाती है, डेड एनिमल्स खाती है, या फिर समुद्र के जो ज़मीन पे जो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ होता है, मरे हुए जानवर होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं, उनको स्टारफिश खा जाती है। और जो सी फ्लोर है, समुद्र का जो ज़मीन है, समुद्र की जो ज़मीन है, उसको साफ रखने में मदद करती है। एक चीज़ मैंने आपको और क्या बताई थी, बहुत ही मज़ेदार, मैंने ये बताया था कि ये ऑयस्टर्स को या फिर मसल्स को खाती है। क्या करती है, मसल्स को खाती है, राइट। ये क्या है आपका, बाइवैल्विया का मसल है या ऑयस्टर है। इसमें क्या रखा हुआ है, वो ऑयस्टर ऑर्गेनिज्म है, राइट, मोलस्क है इसके अंदर। अब ये क्या करेगी, स्टारफिश आएगी, ठीक है, स्टारफिश आएगी और स्टारफिश अपने पैरों से सक्शन बनाती हुई, क्या करती हुई, सक्शन बनाती हुई इसके दोनों शेल्स को ऐसे खोलने की कोशिश करेगी, राइट। मैंने आपको क्या कहा था कि जब वो ट्यूब फीट में से पानी निकलता है, पानी निकलने के बाद में क्या होता है, वो आगे बढ़ती है और वहाँ पे सक्शन बना लेती, तो वैसे ही सक्शन से ये इसके वैल्व्स को खोलने की कोशिश करती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये वैल्व्स यहाँ पे क्या हो गए, खुल गए हैं। मान लीजिए हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो वैल्व्स हैं यहाँ पे खुल गए हैं, राइट। अब ये क्या करेगी, क्योंकि इसका क्या, जो ओरल एंड है, क्या है, जो ओरल एंड है उसके सामने क्या पड़ा हुआ है, ओरल एंड के सामने क्या पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए ऐसे वैल्व्स खुल गए हैं, राइट, ये वैल्व्स खुल गए हैं ऐसे और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ऑयस्टर या मसल पड़ा हुआ है, राइट। अब ये क्या करेगी, ये अपने अंदर का जो पेट होगा वो अपने माउथ से बाहर फेंकेगी, क्या करेगी, माउथ से अपना पेट बाहर फेंकेगी, राइट। जब अपना वो स्टमक बाहर फेंकेगी, राइट, वो क्या करेगी, यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ देगी और ये मसल या फिर ऑयस्टर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होने लगेगा, मर जाएगा और ये बाहर से इसको लेकर वापस अपना पेट अंदर ले लेगी, राइट। तो ये कौन सा एंड था इसका, ये ओरल एंड था इसका। इसके पीछे क्या है, यहाँ पे इसका अब ओरल एंड है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एनस मिलेगा। इसलिए ये क्या है, पर्ल ऑयस्टर्स को, क्योंकि ये ख़राब कर देती हैं, तो जो पर्ल की इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज़ मोती बनाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही क्या है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है, राइट। कलर ज़रा चेंज कर लिया जाए, राइट। तो ये क्या दिख रहा है हमारे को, डायग्राम दिख रहा है, किसका डायग्राम दिख रहा है, स्टारफिश का दिख रहा है। ये है हमारा क्या, अब ओरल सरफेस, क्या है हमारा, अब ओरल सरफेस, और ये है हमारा ओरल सरफेस, ये था अब ओरल सरफेस, ये है ओरल सरफेस। अब ओरल सरफेस पे आपको एनस, मैड्रिपोराइट, सेंट्रल डिस्क, ये सब दिखेंगे, जबकि ओरल सरफेस पे आपको नीचे माउथ दिखेगा, ट्यूब फीट दिखेंगे, राइट, एंड सेंसरी टेंटिकल्स एंड अम्ब्यूलैक्रल ग्रोव्स भी दिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम जो
ऑर्गेनिज्म के बारे में या जिस जानवर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ब्रिटल स्टार, राइट। हमने एक इसके बारे में चीज़ जो बहुत ही खास पढ़ी वो क्या थी, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या थी? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में क्या है, इकाइनोडर्मेटा में क्या है, कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन ऑफियोथ्रिक्स क्या है, एक एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट होती है, एनस एब्सेंट होती है, राइट। ब्रिटल स्टार के पास में क्या है, स्नेक के जैसे आर्म्स हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑफिस ऑफियोथ्रिक्स से, ऑफिस से लिया गया है वर्ड, ऑफियोथ्रिक्स बोला गया है, राइट। क्या बोला गया है? ऑफियोथ्रिक्स बोला गया है, राइट। ये डायग्राम है ऐसा, आपको ये कुछ ब्रिटल स्टार दिखेगा, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं इकाइना सी अर्चिन। क्या क्या पढ़ा हमने सी अर्चिन के बारे में? एक तो इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है इकाइनस। ग्लोब्यूलर होते हैं, बहुत ही बढ़िया, ग्लोब्यूलर होते हैं, राइट। और इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं। और एक चीज़ इनके पास और होती है, बाइटिंग एंड च्यूइंग अपैरेटस, जिसको बोला जाता है एरिस्टोटल्स लैंटर्न। क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल्स लैंटर्न बोला जाता है, राइट। ये फाइव स्ट्रॉन्ग आर्म से बना हुआ, फाइव स्ट्रॉन्ग टीथ से बना हुआ होता है, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्पाइंस। मैंने आपको इकनोइडिया में बताया था कि स्पाइंस क्या करने में मदद करते हैं, लोको मोशन करने में मदद करते हैं। किसको? इकनस को, सी अर्चिन को, राइट। ससाइल नहीं होता है सी अर्चिन, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है हमारा डायग्राम, किसका डायग्राम है? ये हमारा सी अर्चिन का डायग्राम है। किसका है? सी अर्चिन का डायग्राम है। और आपको इसमें दिखेगा क्या, मैड्रिपोराइट है, रिंग किनाल है, रेडियल किनाल्स है, एम्प्यूला है एंड ट्यूब फीट है। एम्प्यूला आप भूले तो नहीं, क्या था एम्प्यूला? ट्यूब फीट का ये जो हेड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। तो भूलना नहीं है ये सब चीज़ें, राइट। होलोथूरिया, होलोथूरिया में आता है हमारा सी कुकुम्बर। अगर हम होलियोथुराइडिया को अगर कैरेक्टर्स रिवाइज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये इलोंगेटेड बॉडी होगी, सिलिंड्रिकल होगी। इनका क्या होगा, ओरल एंड पे इनके माउथ के चारों तरफ क्या होंगे, ब्रांचिंग टेंटिकल्स होंगे। और इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होएगा वो क्या होगा, क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री होएगा। क्या होएगा? क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कुकुम्बर्स रिस्पायर कैसे करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री से करते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोएका में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए वाटर अंदर लिया जाता है और उसको एनस से बाहर फेंक दिया जाता है, राइट। एनस से बाहर फेंक दिया जाता है, माउथ एंटीरियर पोर्शन में होता है एंड सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। माउथ इज एंटीरियर एंड सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, राइट। एंटीडॉन, ये क्या था हमारा एंटीडॉन? कहाँ था हमारा ये एंटीडॉन? क्रिनोइडिया में था, सी लिलीज में था, राइट। इसको और क्या बोला गया था, फेदर स्टार भी बोला गया था। अब अगर आप देखेंगे तो बीच में एक क्या है, सेंट्रल डिस्क है, उसमें से पांच आर्म्स निकलेंगे जो फर्दर क्या करेंगे, ये पांच आर्म्स दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन चार पांच, जो फर्दर दो दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? फर्दर दो दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इसमें से मैं आपको एक बार हटा के थोड़ा सा क्लियरली अगर आपको दिखाऊं तो ये कैसे होता है, मान लीजिए क्या है ये, ज़रा हम नया स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उससे आपको बेहतरीन समझ आएगा, बेहतर तरीके से समझ आएगा। क्या है? सेंट्रल डिस्क है, ठीक है। सेंट्रल डिस्क में ऐसे कुछ पांच आर्म्स हैं। क्या है? पांच आर्म्स हैं। अब ये पांच आर्म्स किस में डिवाइडेड हैं? दो दो आर्म्स में डिवाइड हो गए हैं। हमने क्या पढ़ा था, इकाइनोडर्मेटा में जो ऑर्गन्स होंगे या तो वो फाइव होंगे या फिर वो फाइव के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो ये क्या है, आर्म्स हैं। और इन पे क्या होंगे, सब पे पीनियोल्स होंगे। क्या होंगे? पीनियोल्स होंगे। अभी जब आप डायग्राम देखेंगे पीछे फेदर स्टार का, तो आपको दिखेगा कि ऐसे पीनियोल्स प्रेजेंट हैं, राइट। पीछे जाते हैं, ये समझ आ गया होगा शायद। तो ये देखिए, आपको पीनियोल्स दिख रहे हैं हर आर्म पे, आपको ऐसे क्या दिख रहे हैं, ये भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिनको क्या बोला गया है, पीनियोल्स बोला गया है।
एनस है, आर्म्स है, माउथ है, राइट? इट है अगेन, इसके पास में क्या है, ग्रेट पावर ऑफ ऑटोटॉमी, खुद को काट सकती है एंड रीजेनरेट कर सकती है। बॉडी में एक कप शेप्ड की सेंट्रल डिस्क होती है जिसमें से 5 आर्म्स निकलते हैं और हर आर्म फिर से डिवाइड हो जाते हैं 2 आर्म्स में, राइट? और हर आर्म के ऊपर क्या होती है, एक रो ऑफ पिनियोल्स होती है और ये क्या होता है, सबस्ट्रैटम से अटैच्ड होता है। हमने देखा था वो अपनी सेंट्रल डिस्क से ऐसे पत्थर से सी लिली अटैच्ड थी यहाँ पे और इसमें से ऐसे बहुत सारे पंख निकल रहे थे या फिर क्या निकल रहे थे, आर्म्स निकल रहे थे। आर्म्स बोलते हैं इनको, पंख नहीं बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स निकल रहे थे, राइट? डायग्राम याद आ गया, नहीं तो पीछे जाके आप दोबारा देख सकते हैं, राइट? इसके साथ में हमारे सारे जो भी मेंबर्स थे इकाइनोडर्माटा के वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। हमने पढ़ा था कि होलोथूरिया या फिर सी कुकुम्बर में रेस्पिरेटरी ट्रीज होते हैं, क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्रीज होते हैं, लेकिन इस रेस्पिरेटरी ट्रीज की जो नीचे की ब्रांचेस होते हैं, नीचे की जो क्या होते हैं, टहनियाँ होती हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स में। किसमें? क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स में। और ये क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, एक स्टिकी सब्सटेंस, क्या या एक स्टिकी केमिकल आप बोल सकते हैं या सब्सटेंस बोल सकते हैं। और ये चिपचिपा पदार्थ किस काम में आता है, किस काम में आता है, डिफेंस के काम में आता है, राइट? क्या काम में आता है, क्यूवेरियन ऑर्गन्स डिफेंस ऑर्गन्स हैं ये। किस में मिलेंगे आपको, सी क्यूकुम्बर में मिलेंगे। ये डायग्राम है किसका, रेस्पिरेटरी ट्री का, जिससे वो रिस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं। उसकी निचली टहनियाँ किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स में। ये आपको सी क्यूकुम्बर का डायग्राम यहाँ दिखा रखा है या होलोथूरिया का डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें से क्या निकल रही हैं, ये क्यूवेरियन ऑर्गन्स निकल रहे हैं, धागे जैसे क्या निकल रहे हैं, क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं इसको, राइट? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। स्टारफिश डू वेल विदाउट ब्रेन। आपको लग रहा होगा कि इसके पास तो ना दिल है ना दिमाग है, तो ये जीती कैसे? तो बेटा, जो इसका नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो रिप्लेस करता है ब्रेन के एक्शंस को या फंक्शंस को, इसलिए स्टारफिशेस का ब्रेन के बिना काम चल जाता है, राइट? ऑरिकुलारिया एक लार्वल फॉर्म है जो कि क्या बनाता है, एक क्लिंक बनाता है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में, क्या बनाता है, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के बीच का लिंक बनाता है, कौन, ऑरिक्यूलारिया, कौन बनाता है, ऑरिक्यूलारिया, राइट? ठीक है, तो बेटा हमारा फाइलम इकाइनोडर्माटा हो गया है कंप्लीट। हमने क्या कर लिए हैं, जनरल कैरेक्टर्स कर लिए हैं, क्लासिफिकेशन कर लिया है एंड मेंबर्स भी पढ़ लिए हैं, राइट? ठीक है, तो विथ दिस वी कंप्लीट आवर इकाइनोडर्माटा एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर फाइलम। तब तक के लिए थैंक यू।